everyone, welcome to Stupidly Honest. So now we are going to react to a video which is titled 10 highest paid Telugu actors 2020. Mahesh Babu, Ram Charan, Allu Arjun, Chiranjeevi, Junior NTR, and that's it. So no, there is more actors, but they have only mentioned these many actors in the title, that's it. So they have selected 10 actors and then they have compiled this particular video wherein we are getting an insight of the remuneration each actor is getting, especially from the Telugu movie industry. So let's go and watch the video. मुझसे मुकाबला करने तब आना जब बूते में थोड़ा तमाच खत्म कर दूंगा, तुझे नहीं तेरे कमांड को. साउथ इंडियन फिल्मों और उनके एक्टर्स का जादू अब पूरी दुनिया पर चल गया. बाहुबली की रिलीज के बाद वो सिनेमा लवर्स के लिए एक से बढ़कर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं. उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेटिव भी होती है. मेगा स्टार चिरंजीवी से लेकर विजय देवरकोंडा तक ऐसे एक्टर्स तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पास है जो आसानी से ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मैं निकेत निकम आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे तेलुगु एक्टर्स के नाम और उनकी तरफ से एक फिल्म के लिए ली जाने वाली सैलरी. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए. नंबर 10, नागा चैतन्य. अकेले नागार्जुना के बेटे नागा चैतन्य की फैन फॉलोइंग अब काफी बढ़ने लगी है. मंजली के सक्सेस के बाद अपनी एक फिल्म के लिए मंजली हिंदी डब वर्जन को भी काफी प्यार मिला है. आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई ये फिल्म जल्दी 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार करने वाली है. नंबर 9, विजय देवरकोंडा. अब की डेट में विजय देवरकोंडा के क्रेज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं. अर्जुन रेड्डी की सफलता के बाद उन्हें बैक टू बैक फिल्म के ऑफर्स मिलने लगे हैं. विजय अपनी एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं. उनकी अगली आने वाली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है फाइटर, जिसमें विजय देवरकोंडा के साथ लीड रोल में हमें नजर आने वाली है अनन्या पांडे. फाइटर को डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म बिजनेसमैन टेम्पर जैसी तासुफ फिल्म देने वाले डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ. नंबर 8, नानी. नानी के जर्सी फिल्म को पूरी हिंदुस्तान ने बड़ा प्यार दिया है. खुद के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नानी अपनी एक फिल्म के लिए 11 करोड़ रुपए चार्जेस लेते हैं. नंबर 7, अल्लू अर्जुन. यूट्यूब पर राज करने वाले स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने हाल ही में उनकी करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी है अला वैकुंठ पोरुंदु. 2020 की संक्रांति के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है और इंडस्ट्री हिट भी बन गई. अला वैकुंठ पोरुंदु के लिए उन्होंने 25 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. उससे पहले वो 18 करोड़ रुपए पर फिल्म लेते थे. नंबर 6, जूनियर एनटीआर. जूनियर एनटीआर की अरविंदा समेता के हिंदी डब वर्जन का बड़े बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. यंग टाइगर अपनी मसाला एक्शन फिल्मों के लिए बहुत ही फेमस है. उनकी अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज फिल्म RRR के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. नंबर 5, रामचरण. मेगा पावर स्टार रामचरण फिलहाल RRR फिल्म में बिजी है. उनकी विनय विधाय रामा हिंदी वर्जन का फैन बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रामचरण ने RRR के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. RRR जनवरी 2021 को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम ऐसी 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है. नंबर 4, महेश बाबू. सुपरस्टार महेश बाबू ने 2020 की शुरुआत में ही धमाका मचा दिया. उनकी संक्रांति पर रिलीज हुई फिल्म सारले रुनिकेवारु ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई की और सुपर डुपर हिट बन गई. सुपरस्टार 25 करोड़ रुपए अपनी एक फिल्म के लिए चार्ज करते थे, लेकिन सारले रुनिकेवारु के मैसिव सक्सेस के बाद वो अब 40 करोड़ रुपए पर फिल्म लेते हैं. नंबर 3, मेगा स्टार चिरंजीवी. एवरग्रीन एक्टर चिरंजीवी का क्रेज नॉर्थ इंडिया में 2002 से ही शुरू हुआ था, जब उनकी इंद्रा टाइगर फिल्म तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज हुई थी. मेगास्टार की रिसेंट रिलीज सायरा नरसिम्हा रेड्डी के लिए उन्होंने पूरे 50 करोड़ रुपए का रेम्यूनरेशन लिया था. नंबर 2, पवन कल्याण. 2 साल फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद पावर स्टार पवन कल्याण अब अपनी फिल्म वकील साहब के साथ वापस आने वाले हैं. वकील साहब अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म पिन का ऑफिशियल तेलुगु रिमेक है. पावर स्टार का सैलरी लेने का अंदाज और उससे कुछ अलग है. वो एक दिन शूटिंग पर जाने का वकील साहब के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं. इसके अलावा साइन की गई फिल्मों के लिए उन्होंने 55 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. वकील साहब से पहले वो 25 करोड़ रुपए का रेम्यूनरेशन पर फिल्म लेते थे. नंबर 1, प्रभास. इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं रिवर स्टार प्रभास. बाहुबली के रिलीज के बाद उनकी फॉलोइंग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ गई. बाहुबली फ्रेंचाइजी के बड़े सक्सेस के बाद फिल्म साहो के लिए उन्होंने पूरे 70 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. पहले प्रभास साहो के लिए 100 करोड़ रुपए ले रहे थे, लेकिन बाद में यू क्रिएशन से दोस्ती के खातिर उन्होंने 30 करोड़ रुपए कम किए थे. बाहुबली के एक पार्ट के लिए प्रभास ने 30 करोड़ रुपए चार्ज किए थे. इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया. मुझसे मुकाब सो
yeah, that was it. So this particular video actually doesn't give you any other insights from the personal life or lifestyle or anything personal about the actors, but it's all professional about the remuneration they get and how they are placed in the industry. I'm not sure if this is the latest or updated version. I think this particular video was uploaded in July 23rd, 2020. So I guess he got the information by some kind of Google research and stuff like that. It might not be 100% true. So it might vary from movie to movie and time to time they'll change everything. So it might not be 100% true. So those things are there. So actually we cannot categorize actors according to the remuneration they get or they get paid and stuff like that. I guess sheer talent is what matters rather than all this remuneration or even popularity doesn't matter, I guess. See, like, I don't know if a star like Nani would be so much celebrated because he does movies. He doesn't do more of what you say, action movies or commercial, very commercial movies as in which has total action-packed things and stuff like that, or masala movies. He is, what do you say, as they call him as natural star or not, an actual actor. He does movies which are having some, what do you say, content-based movies. So he is such a person, and his popularity became a huge success or something like that because of the movie Jersey. So that is because the movie was worth it. So I guess movie and the role portrayed by each actors make a hell lot of difference rather than the remuneration. So anyhow, that was this video all about. I hope you all liked it. Please comment below your opinion about the same, and we'll come with another video. Until then, it's bye from me. Bye.